नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक कोरोना के खतरे के बीच भी कुछ लोग शादी करने का खतरा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर शादी की। सात फेरे लिए, वैसे दूल्हा राजा कहीं और नौकरी करते हैं और शादी के लिए रतलाम आए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होकर घर में कैद होना पड़ा। तारीख पर पीपीई किट धारण की और पहुंच गए शादी करने। पुलिस ने कोरोना काल में शादी को रोकने की कोशिश की, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर सात फेरे लिए गए। अब दोनों पर सात फेरों के बाद कानूनी फेरा कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस तारीख को पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव आया है, जानकारी छिपाई है अपनी, और इस पर क्या कोई कार्रवाई बनती है? अधिकारियों के मामले तो पूरी जानकारी है इसकी, जो मार्गदर्शन आगे मिलेगा, ये कार्रवाई कर दी है, इसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी। कोरोना पेशेंट जो संक्रमित है उसको क्या शादी करने की छूट दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। फिर आप लोग खुद ही शादी करवा रहे हैं? अब शादी का जो कार्यक्रम तैयार तय हो गया था, उनके संख्या वहाँ 8 पेशेंट है जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है। सर, जिस तरीके से ये 19 तारीख को पॉजिटिव आया था इसकी जानकारी अब तक प्रशासन को नहीं लगी, ऐसे और कितने लोग होंगे जो प्रशासन को इसकी जानकारी है? ये आउट ऑफ वे जाके कंटेनमेंट खोल कर बना रहा है, कंटेनमेंट बना हुआ था घर में, तो जाके चेक करके आ रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर आए हैं तो उनके ऊपर 188 की कार्रवाई भी हो सकती है, 1B की कार्रवाई भी हो सकती है, 269, 270 की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन के बाद शादी पीपीई किट पहन के हुई है और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। अच्छा, ये बताएं सर, बालक कोरोना संक्रमित कब हुआ था और फिर ये 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को तो हाँ, शादी और आपने आगे बढ़ाने के लिए हमने सोची कोरोना संक्रमण काल में आप शादी करें? ये सिम्टोमेटिक था और इसका इलाज अपने खंडेलवाल साहब और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोगों ने दवाई दी थी, वो घर पर ले रहा था। प्रशासन से क्या अनुमति ले ली थी आपने? ये यहाँ हॉल की तो अनुमति लड़के वालों ने ली थी। नहीं, शादी करने की? हाँ, शादी करने के लिए थी। आपने ली थी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं। फिर आपको पता है कोरोना संक्रमण फैलता है इस तरह से डील करने को, फिर आपने कदम उठाया? तो ये एक्चुअल में क्या है, दिन ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा कि अब ए सिम्टोमेटिक भी है, दिन भी ज़्यादा हो गए तो अब ज़्यादा परेशानी तो आएगी नहीं।